जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइनस, अस्थमा या दमा, ये परेशानी क्यों हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये बीमारी क्यों होती है, किन लोगों को होती है और किन लोगों को ज़रूर हो जाती है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और हमें किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर ये बीमारी हो ही गई है, अगर ये बीमारी हो ही गई है और आपको डॉक्टर ने इन्हेलर लेने की सलाह दी है, तो आपको इन्हेलर कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से परहेज रखना है, सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में बताऊँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत उपयोगी वीडियो है, किसी को भी ज़रूरत हो सकती है। आज के समय में 70% लोगों को ये साइनस जैसी प्रॉब्लम है, बस किसी को थोड़ी ज़्यादा है, किसी को थोड़ी कम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये साइनस जैसी प्रॉब्लम क्यों होती है। जैसे मैंने बोला क्यों होती है, किन लोगों को होती है, तो क्यों होती है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला कारण होता है बार बार सर्दी, जुकाम और छींक जैसी परेशानी होना। और ये एकदम से नहीं आती, ये बचपन से ही हमारे अंदर थोड़ी 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 करके इकट्ठी होती रहती है, जो कि अपनी जड़ें जमा लेती है और बड़े होकर के ये साइनस का रूप ले लेती है। कैसे? आप देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो, उनको जैसे ही आप नहलाएंगे, हल्का सा उनके शरीर के ऊपर पानी पड़ता है, उन्हें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उनको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है और वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन बच्चा छोटा है, इसलिए माँ बाप भी उतना ध्यान नहीं दे पाते, माता पिता को इतनी जानकारी नहीं होती, तो उसको वो नॉर्मल ही लेते हैं। उन्हें लगता नहीं, बच्चा छोटा है, ठंडा पानी पड़ गया, शायद इसलिए हो गया है। कई बार गुनगुने पानी से नहलाने के बाद भी हो जाता है, तो भी माता पिता को लगता है छोटा बच्चा है, अभी इसको आदत नहीं है वेदर की, धीरे धीरे इसमें रम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों को बार बार ऐसी एलर्जी हो कि उन्हें बार बार जरा से पानी पड़ने पर छींक आ जाए, पानी पीने के बाद छींक आना शुरू हो जाए, उन्हें जल्दी जल्दी सर्दी होनी शुरू हो जाए, उनकी पसलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, कई बच्चों को आपने देखा होगा, तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। आप किसी बढ़िया, जो ये सर्दी जुकाम और साइनस जैसी परेशानियों का स्पेशलिस्ट हो, ऐसे डॉक्टर को दिखाइए, ताकि वो उनको ऐसी बच्चों को दवाई दे सके कि वो बीमारी आगे ना बढ़ने पाए। अगली चीज़, किसी चीज़ से, किसी विशेष चीज़ से एलर्जी होना। जैसे कोई खास चीज़ से बहुत, किसी को बहुत तेज़ स्मेल से एलर्जी होती है, किसी को किसी दुर्गंध से एलर्जी होती है कि जैसे ही कोई दुर्गंध आएगी छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, कोई तेज़ स्मेल या खुशबू आ जाएगी तो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ जी घबराने लगता है, यहाँ तक कि सांस फूलनी शुरू हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा सांस फूलती तो लगता है जान निकल जाएगी। अब ये चीज़ इतनी अच्छी तरीके से मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी इसकी भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन से मुझे भी एलर्जी है। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग अगर धूल मिट्टी वाले एरिया में निकल जाते हैं, उनको एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, उनका जी घबराना शुरू हो जाता है, आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, आँखें एकदम लाल हो जाती हैं। ये एलर्जी मुझे भी है, धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से मुझे एलर्जी है। मैं कभी भी अगर पॉल्यूशन एरिया में निकल जाती हूँ तो मुझे परेशानी बढ़ती रहेगी, अगर मैं वहाँ से तुरंत ना हट जाऊँ तो मेरी परेशानी बढ़ जाती है। और इसी वजह से एक बार मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई, मुझे डॉक्टर ने इन्हेलर लेने की सलाह दी। लेकिन इसको कितनी बार लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी वाले या पॉल्यूशन वाले एरिया में जाने से आपको छींकें आती हैं, सांस आपकी फूलती है, घबराता है जी, तो आप ऐसी जगह पर जब कभी जाएंगे, मास्क पहन के जाइए, अपनी नाक और मुंह को कवर करके जाइए, स्टॉल से या दुपट्टे से बांध, तो मतलब अपना इतना एरिया आपको बांध के ही जाना है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि तेज़ परफ्यूम की खुशबू आने से या कोई तेज़ दुर्गंध या बदबू आने से हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो उन चीज़ों पर भी आप गौर कीजिए, किस चीज़ से एकदम से आपको दिक्कत होती। कभी कभी क्या होता है, जो मच्छर भगाने के लिए हम ऑल आउट लगाते हैं, इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाथ पैर या सिर में लगाने वाला जो कोई तेल होता है, या बॉडी में लगाने के लिए आप कोई भी बॉडी लोशन यूज करते हैं, इन चीज़ों की खुशबू से भी कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप गौर ज़रूर कीजिए कि किस चीज़ को इस्तेमाल करने से या किस चीज़ के संपर्क में आने से आपकी समस्या तेज़ हो रही है, तो उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। खाने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, जैसे आपको बिल्कुल सुबह और रात में कभी भी आपको दही, मट्ठा या छाछ का सेवन नहीं करना।
फ्रिज का पानी अगर हो सके तो आप कभी ना पिए, और अगर आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो दोपहर के समय आप फ्रिज का पानी मिक्स करके पी सकते हैं, यानी कि 3 हिस्सा पानी आपको लेना है नॉर्मल और 1 हिस्सा आपको लेना है फ्रिज का पानी, यानी कि 1/4 हिस्सा आपको फ्रिज का पानी ठंडा मिला करके आप पी सकते हैं। या फिर आप अपने घर में गर्मी के लिए एक बढ़िया सा बड़ा सा घड़ा रख लीजिए और उस घड़े का पानी आप पिए, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आपको उसको साइनस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना बढ़ेगा, ना उससे आपको कोई दिक्कत होगी। घड़े में पानी ठंडा हो जाता है, उसका पानी आप पिए, स्वादिष्ट भी होगा और वो हेल्दी भी होता है। उसके अलावा आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, अगर बहुत आपको आइसक्रीम पसंद है तो कभी दोपहर के समय आप खा लीजिए, कंटिन्यू मत होइए उसमें, और रात या बिल्कुल सुबह का टाइम बिल्कुल भी आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे आपको सावधानी रखनी है। तो जो ये इन्हेलर है ये आपको कितनी बार लेना है, इसको ज़्यादातर डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप सुबह और शाम 2 बार लीजिए। इसको कैसे लेना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, हालांकि पहले भी एक वीडियो मैंने इस पर बनाई थी कि इसको किस तरीके से लेना है। तो देखिए, ये जब आप निकालेंगे इस तरीके से होता है, ये इसकी कैप है, इसको आप खोलेंगे पहले ऐसे। अगर आप रोज़ इसको रेगुलर यूज करते हैं तब तो यहाँ पर कोई गंदगी होती नहीं, लेकिन जैसे मुझे ही है, कभी साल 1.5 साल में जब कभी पोल्यूशन एरिया में मुझे जाना तो मैं इसको इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आपने इसको बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया है और आपको निकालना है तो आप कोई अपनी उंगली में बढ़िया साफ कपड़ा लपेटिए और इसके अंदर ऐसा करके इसको एकदम क्लीन कर दीजिए, ताकि अंदर से अगर कोई फंगस जम गया तो वो निकल जाएगा। उसके अलावा ऊपर से एक बार पुश कीजिए तो ये जब इसका स्प्रे एक बार बाहर को निकल जाएगा तो अंदर से जो भी कुछ होगा, थोड़ा बहुत जाला वाला भी लग जाता है बंद चीज़ों में, तो वो भी एकदम से बाहर निकल जाएगा और वो आपके सांस के द्वारा अंदर को कोई किसी तरह का संक्रमण नहीं पहुँचेगा। अब इसको लेना कैसे है, आपको क्या इसको खोलने के बाद में आपको अपने मुँह के अंदर ऐसे रखना है और इसको ऊपर से 2 बार पुश करना है, एक बार फिर एकदम से सांस आपको खींचनी है, फिर दोबारा फिर पुश करना है और एकदम से सांस खींचनी है और इसको ऐसे बाहर करना है और अपने मुंह को इस तरीके से बंद कर लेना, और बंद मुंह से आपको सांस अंदर लेनी है और नाक से बाहर निकालनी है। कैसे, इस तरीके से, यानी यहाँ से, क्योंकि आपने यहाँ से इन्हेलर को लिया है तो ये आपके गले के थ्रू आपके अंदर तक का नसों में पहुँच जाएगा, जो कि आप अगर अंदर जमा हुआ बलगम और बैक्टीरिया को मारेगा, दूर करेगा और बलगम को पिघला देता है। अगर छाती में कभी कभी महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, बलगम जम गया है, तो उस चीज़ को ये पिघला देता है। अब जब बाहर यहाँ नाक से आप बाहर को निकालेंगे तो जो नाक के थ्रू आपको कभी महसूस ऐसा भी हो सकता है कि पानी निकल रहा है, तो उसी पानी के माध्यम से अंदर की जो एलर्जी होगी, जो दिक्कत होती है, वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक साफ़ हैंकी अपने अंगूठे में इस तरीके से लेना है, ऐसे करके ऐसे दबाना है अंगूठे अपने अंदर को, और उसके बाद अपनी नाक को इस तरीके से अंदर से हल्के हल्के हाथों से करके एकदम क्लीन कर देना है। क्यों, जब आपने बाहर को सांस फेंकी है तो आपके नाक के अंदर जो हल्के हल्के से रोएं होते हैं उनमें संक्रमण फंस सकता है या पानी जम सकता है, जिससे आपको दोबारा एलर्जी हो सकती। तो जब आप कपड़े से तुरंत उसको क्लीन कर देंगे तो आपकी नाक एकदम क्लीन हो जाएगी, आपको सांस लेने में राहत मिलेगी और आराम मिलेगा, और किसी तरह की कोई भी बैक्टीरिया या गंदगी आपके नाक के अंदर नहीं रह जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है बताने की, और बहुत ज़्यादा फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं, हाँ कम शब्दों में ही बहुत समझाने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे, काम की लगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।